विकास के मुद्दे पे बात करते भाई। विकास पर बात करेंगे, देश का विकास इस समय किस रफ्तार से जा रहा है, क्योंकि मोदी जी का कहना तो यह है कि जो विकास है बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, पर हकीकत में जो आम जनता है, आम नागरिक है और देश का युवा है, वो हमें असल में बता सकता है कि विकास की रफ्तार तेज है, धीरे है या है ही नहीं। तो आप बताइए, विकास की जो रफ्तार है इस समय वो तेज है या धीरे है? एकदम धीरे हो रखी है। देश का विकास के लिए सबसे जरूरी है मेंटल विकास, वो तो हो ही नहीं रहा है, वो एकदम धीरे हो रखा है। और सबसे ज़्यादा जरूरी है देश का विकास करने के लिए कि जो स्टूडेंट है यहाँ पे उसके मानसिक विकास का विकास करें, वो तो मोदी जी छोड़ो, देश का कोई बंदा नहीं कर रहा है। जो अपने राजनीति में आ जाता है वो तो अपनी गद्दी में बैठ गया और जाके वहाँ पे मौज लेते हैं, अपनी सीट भरते हैं पूरी तरह से, जेब को जितना भी भरना हो उचित हो उसको भर लेते हैं और फिर 2019 का इंतजार कर रहे हैं कि हमारे देश के युवा आएंगे और हमें जिताएंगे। अब SSC की बात छोड़ो, जब UPSC का पेपर लीक हो रहा है तो SSC क्या करेगा? रेलवे का एग्जाम हुआ, उसकी आंसर की आ रही है, उसमें देखें वहाँ भी मौज ली गई है पूरी तरह से, सारे के सारे आंसर वहाँ पे लीक हो रहे हैं। देखा जाए तो अभी कोई भी एग्जाम हो, ऑफलाइन छोड़ो ऑनलाइन छोड़ो, कहीं भी हो, कहीं भी सारे सारे पेपर लीक हो जा रहे हैं। कर कह रहे हैं आखिरकार मेंटल विकास तो होना नहीं है। एकेडमिक में भी वहाँ भी पूरी तरह से देखा जाए तो बच्चों का भी मानसिक संतुलन पूरा बिगाड़ दे रहे हैं, ये करो वो करो, कुछ भी करने के लिए बोल देते हैं, पैसा जमा कर दो बस स्कूल में, उसके बाद सारे टीचर हैं वो भी जाके अपना काम से सो जाते हैं, कहीं भी कुछ भी करते हैं, सारा न्यूज में यही आता है देखने को। और राजनीति की तो बात ही छोड़ो, कुछ भी कहने लायक ही नहीं है असल में। प्रधानमंत्री जी सिर्फ ये कहते हैं कि देश में सत्तर साल में कुछ नहीं हुआ, तो क्या आपको लगता है कि बीते 4 सालों में कुछ ना कुछ शुरू हुआ है? हमें तो नहीं लगता। सबसे ज़्यादा शिक्षा में सबसे ज़्यादा बेकार हुई तो शिक्षा हुई है 4 सालों के अंदर। किसी भी रोज़गार अब तो हमारे यहाँ यूपी में देख लो, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, अब यूपी में देख लीजिए, अब योगी आदित्यनाथ ने कल एक ट्वीट किया है, फेसबुक पर भी चल भी रहा है कि अब कोई भी परीक्षा नहीं की जाएगी, उत्तर प्रदेश के अंदर स्टे लगा दिया सारी गवर्नमेंट जॉब पे। इसका क्या मतलब होता है? योगी जी दिखाना चाहते हैं कि हमने केवल स्टे लगाया है इस परीक्षाओं पे, इसका सरकार और ये बोल रहे हैं। दूसरी बात कि खर्चा बचाने के लिए खर्चा बहुत हो रहा है, मतलब ये क्या चीज़ है कि खर्चा, मतलब शिक्षा पे खर्चा नहीं कर रहा हो आप, पॉलिटिशियन के लिए बहुत खर्चा कर सकते हो, ये गलत चीज़ है बहुत ज़्यादा। अगर आपने मान लो शिक्षा पे अगर वो लगा दिया, रोक लगा दी, तो आज से इस चीज़ से शिक्षा पे मतलब जॉब पे रोजगार पे आपने रोक लगाई है, इससे सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे प्रभाव पड़ेगा? हमारे युवाओं पे, युवाओं की मेंटेलिटी पे, सब यही कहेंगे। इससे आप ये मत समझिए कि आपकी सरकार कमजोर होती है इस शब्द को बोलने से। आपने ये बोला कि ST लगाएंगे सारी परीक्षाएं लीक हो रही हैं, सब पैसा खर्च हो रहा है, इससे आपकी सरकार कमजोर है और कोई कमजोर नहीं है। आपने सत्ता ही नहीं दी है देश के अंदर। आप अगर किसी भी परीक्षा का लीक होती है, जिस स्कूल में जिसकी भी परीक्षा में लीक होती है, उसका 5 साल तक उसका रद्द कीजिए स्कूल, और जितने उस परीक्षा के अंदर बच्चे बैठते हैं उन सबका उस लिस्ट से हटा देना चाहिए मेरे हिसाब से तो। और दूसरी बात यह, जिस प्रिंसिपल जो भी उनका ऑनर वगैरह जो भी है, उनको वहां से 2 साल की बिना बेल की सजा होनी चाहिए। और जब आपका कानून सख्त होगा तो ना तो कोई परीक्षा लीक होगी। दूसरी बात है, करप्शन नीचे से जाता है और ऊपर तक करप्शन है, इसलिए ये भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये भी सबको खाते हैं। दिक्कत तो ये है ना। आपको लगता है मोदी जी की सरकार में विकास में गति है? बिल्कुल गति तो बिल्कुल नहीं लगती, क्योंकि लोगों का रोजगार खत्म हो गया, काम कारोबार सब खत्म हो गया, तो मुझे तो नहीं लगता कि विकास बढ़ रहा है और घट रहा है। मौजूदा पेट्रोल डीजल के दाम, बढ़ती महंगाई, उस पर केंद्र सरकार की चुप्पी है, आम जनता बोलने को तैयार नहीं है, पर आपका उस पर क्या कहना है? उस पर ये कहना है कि आम जनता को अभी तो देखो, सबको अपने अपने से मतलब है, कोई इतना कुछ सोचते नहीं है, कोई करता नहीं है, और सरकार भी सिर्फ अपना ही फ़ायदा सोच रही है, क्योंकि जनता का तो कोई फ़ायदा है ही नहीं इसमें। पर केंद्र सरकार की रिपोर्टें तो कहती हैं देश का विकास बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है। कहाँ दिख रहा है? एक दिखा है विकास कहीं भी, बता दीजिए आप। सबसे विकास हम आपसे एक बार कहें, विकास वो होता है जहाँ युवा तरक्की करे, विकास उसे कहते हैं। शिक्षा क्षेत्र बढ़े वहाँ विकास कहा जाता है, युवाओं को नौकरी मिले विकास की बात कहाँ से कर लेते हैं आप? हमें तो ये समझ में नहीं आता। ये कुछ बात तो सही थी कि विकास असली वो विकास होगा जब युवाओं की तरक्की होगी, और कुछ बात करते हैं विकास हो रहा है। विकास हो रहा है, मैं बताता हूँ, विकास हो रहा है नेताओं का, नेताओं की सैलरी बढ़ रही है, सबसे बढ़िया बात विकास नेताओं की हो रही है, विकास नेता अपना कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा, विकास नेताओं को हर एक पेंशन से लेकर के उनकी सैलरी बढ़ा दी गई, उनका सब कुछ कर दिया गया, उनका VIP खाना हो गया, VIP गाड़ी मिल रही है घूमने के लिए, किसान मरा इसमें और हम स्टूडेंट पिस रहा है। और क्या करते हैं, एक ग्रुप सी के लिए दो दो एग्जाम कंडक्ट कराते हैं आप, ग्रुप सी के लिए आप एक एग्जाम कंडक्ट कराइए, अच्छी तरह से कराइए, उसकी अच्छी पावर दीजिए और अच्छी तरह से उसका
करवाइए, तो क्यों ये सब नामांकन? एक आपने CBT फर्स्ट करा दिया, उसके बाद आप दूसरा एग्जाम कराएंगे, आपको पता है कि हमें तो वोटिंग लेनी है, वैकेंसी निकालनी है, वोट हमें मिल जाएंगे अपने 2019 के बाद हमें दोबारा। मेरे ख्याल से आप देश के एक वोटर हैं, तो 2019 में आप वोट देते ही होंगे? बिल्कुल देते हैं। तो 2019 में मौजूदा सरकार को कोई चांस या कोई नहीं? बिल्कुल, हम तो यही चाहेंगे जब तक हमारा ये सब, जब तक हम ये नहीं देखेंगे हमारी सत्ता इस गवर्नमेंट करती है कि नहीं, कि शिक्षा में लेकर के सुधार आता है, रोजगारों को बेरोजगारों को रोजगार मिलता है कि नहीं मिलता है, ये सब देखेंगे, उसके बाद हमें कुछ लगेगा अच्छी सरकार है तो देंगे वोट, वरना नहीं देंगे। अगर हम राजा बनाना जानते तो फकीर भी बनाना हमें आता है। आपका कहना है कि मौजूदा सरकार ढीली है विकास में, बातों में और विज्ञापन में सबसे ये बात आगे। तो सच है कि कहते हैं और लोग जिनसे फेंकू सरकार है, ये वाकई में फेंकू है, मान लो, मगर मैं मोदी ने फेंकू करता, मगर मोदी जी ने अपने इंटरनेशनल पर अच्छा काम किया, मगर उनके नेता सारे फेंकू हैं। मेरे यहाँ पे देख लीजिए जितने सांसद हैं, उनको ये तक नहीं पता, एक बार चुनाव जीत के चले जाते हैं, उनके बाद ये नहीं देखते किस गाँव में सांसद जीत गया, उसका वहाँ का आदमी कैसा है। आज भी मेरे यहाँ की स्थिति ऐसी इतनी बेकार है कि हर किसी आदमी वोट देने के लिए मना करता है कि हम नहीं देंगे, और आजकल वोट हमसे उसे करते हैं। अरे लोग यहाँ पर सरकार केवल हर एक जगह का नाम बदलने का प्रयास कर रही है, बस कुछ नहीं। आप रेलवे स्टेशन का नाम बदल दीजिए, यहाँ का नाम बदल दीजिए, क्या नाम बदलने से क्या विकास हो जाता है? आप एयरपोर्ट का नाम बदल रहे हैं, रेलवे का बदल रहे हैं, और जगहों का नाम बदल रहे हैं, नाम बदलने से क्या होता है? जो कि सरकार ने केवल अभी तक में केवल जगहों के नाम बदले और कुछ नहीं किया है विकास में। एग्जाम के लिए कुछ नहीं करती है, बच्चों का नुकसान होता है, पैसा नुकसान होता है, तीन तीन बार एग्जाम कराते हैं बच्चों का, गरीब बच्चा कहीं जा नहीं पाता है, इतनी दूर जाते हैं सब लोग, 1000 किलोमीटर दूर जाता है, सेंटर जाता है, बच्चे कहीं जा नहीं पाते हैं, उससे क्या होगा? क्या उससे विकास होता है? तो विकास की बात तो आपको जो देश के युवाओं ने बता ही दिया, आगे के अपडेट हम आपको देते रहेंगे।